तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ मटकी के दुकान पे। मैंने ये पहले से ये मटका पसंद करके रख दिया था मटन के लिए, देख लीजिए ऐसा मटका है। अब चलते हैं घर की ओर। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फूड ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। तो फाइनली मैंने सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ और आज मटके के अंदर तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। और देखो मेरा लड़का क्या कर रहा है, इसे ये पन्नी चाहिए पर ये पन्नी तो उठा नहीं पाएगा पूरा। अब देखते हैं मेरी वाइफ क्या कर रही है, वो क्या बना रही है देखते हैं। अब दोपहर का खाना बन रहा है। ओह सिंगी मांस बोलते थे, कैटफिश बोलते थे, कैटफिश। तो इसका रेसिपी भी आपको मैं बाद में दिखाऊँगा। अब ऐसे अच्छे से पानी में भिगो कर रखता हूँ इस मटके को। इस मटके को बढ़िया तरीके से हम पानी में भिगोएंगे क्योंकि ये जब हम मटके में मटन बनाएंगे तो मटका फटे ना, इसलिए मैं पानी में डाल दूंगा इसे। तो मैं इसे पानी में भिगो के रखता हूँ कम से कम, मैं तो 5 घंटे भिगो के रखूँगा क्योंकि मैं बनाऊँगा रात को। बढ़िया तरीके से मैंने भिगा के इसे रख दिया, ऐसा ही रहेगा ये कम से कम 4 से 5 घंटा। तो गाइस फाइनली अभी बनेगा मटन में, सॉरी मटन में नहीं मटका में मटन। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाऊंगा एकदम, तो ज़बरदस्त तरीके से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो सबसे पहले मैंने मटके को भिगो लिया था, उस भिगो हुए मटके को हम पहले बाहर निकालेंगे। बढ़िया तरीके से हो चुका है देख सकते हो। अब ये मटका गलती से भी नहीं फटेगा क्योंकि पानी भिगोना ज़रूरी होता है इस मटके को। तो सबसे पहले हम लेंगे 750 ग्राम मटन। हमने 750 ग्राम मटन ले लिया है, बड़े तरीके से साफ़ सुथरा करके हमने धो भी लिया इसे अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे हम साबुत लहसुन, टमाटर और आलू और प्याज कटा हुआ बारीक चॉप कर लिया था हमने प्याज को। उसके बाद मैं डाल दूंगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं डाल दूंगा इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च वो भी पूरा फुल करके। उसके बाद मैं डालूंगा इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर। उसके बाद मैं डालूंगा 1/2 चम्मच से थोड़ा कम काली मिर्च पाउडर। उसके बाद 1 चम्मच पड़ेगा इसमें धनिया पाउडर। उसके बाद पड़ेगा इसमें कलर के लिए थोड़ा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। नमक को हम स्वाद अनुसार डालेंगे बढ़िया तरीके से। नमक को बड़े तरीके से स्वाद अनुसार डाल दिया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम सरसों का तेल। बस सरसों का तेल लगा हम बड़ी तरीके से मैरिनेट करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो मटका बिरयानी बनाएंगे ना आज, मटका बिरयानी, सॉरी मैं बार बार कह रहा हूँ मटका बिरयानी सॉरी, मैं आज बनाऊंगा मटन मटका एकदम मटके में, एकदम ज़बरदस्त तरीके से मटन को बनाऊंगा और बड़ी तरीके से पहले इस मसाले को मैरिनेट कर लूँगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये मसाला ही है, इसे बढ़िया अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लूँगा। आय हाय हाय मैरिनेट करने के टाइम जो खुशबू आ रही है ना भाई, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैरिनेट मैंने अच्छे से कर लिया, मैं इसे छोड़ दूँगा कम से कम ना तो 1 घंटे के लिए। तो गाइस प्रॉपर हमारा 1 घंटा हो चुका है। तो मैं इस मैरिनेट किए हुए मटन को मैं इस मटके में ऐड कर लूँगा। तो गाइस बढ़िया मैंने पूरी तरीके से चारों तरफ से मैंने मटन को गैस ऑन कर लिया मैंने नीचे से। मैं बढ़िया तरीके से एकदम धीमी आँच में कम से कम ना उसे मैं 1 घंटा, मैं सॉरी मैं 1.5 घंटा पकाऊंगा इसमें एकदम लो आँच में। ऊपर से मैं ढक देता हूँ और मैंने ऊपर से मैंने एक छेद भी किया है ऊपर से क्योंकि बढ़िया तरीके से इसका हवा निकल सके।
तो गाइस मैं इसमें से ना साइड से आटा का लेयर लगा दूंगा बड़े तरीके से, क्योंकि इसका जो गैस है ना बाहर ना जा पाए एकदम जबरदस्त तरीके से। इसमें साइड में आटा का लेयर लगा दूंगा और थोड़ा सा लेयर बाकी है मेरे पास। जबरदस्त गर्मी ना गाइस, मैं सच बताऊं गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी के चक्कर में ना मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। और ये दो दिन में मेरा मिस्टेक हुआ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने का, और फाइनली मेरे को बहुत मुश्किल से टाइम मिला है। चलो तरीके से इसका स्पेस बंद कर देंगे आटे के लेयर से। जब बनेगा ना गाइस मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, और ये बनाने में काफी मेहनत होता है। और किसी किसे मटन मटका पसंद है प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना, और मैंने कैसा बनाया मटन मटका कमेंट में मुझे जैसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताना कि मैंने कैसा बनाया है। और जो ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, ये बॉडी में काफ़ी इचिंग सी फीलिंग हो रही है, मतलब कोई चिड़चिड़ा सा फील हो रहा है क्योंकि गर्मी है, पसीना पूरा बॉडी बॉडी आप देख सकते हो कैमरे में, और कैमरा मैन मेरे भाई चुप बुक बन रही है फिलहाल। तो गाइस फाइनली मैंने आटा के लिए एकदम बढ़िया तरीके से लगा दिया है, अब इंतज़ार करते हैं पूरा 1.5 घंटे का।